हम चले जाएंगे यहाँ पे, ये स्टार्टिंग ऑथराइजेशन है वहां पे, और यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और इस पे हम कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे जिसमें लिखेंगे बात एम एम एंड वाई है वाई देन ओके। ठीक है, अब बेसिकली कितना ए यहाँ पे 1 2 4 है ना, ठीक है ना, 4 है। तो हम पहले पार्ट जो है यहां से लेते हैं जिसका नाम रखते हैं अर्निंग। क्या करते हैं? अर्निंग, अर्निंग इसको करते हैं अर्निंग। ठीक है, सॉरी ये इसको कर देते हैं हम अर्न। और इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहां पे कर देते हैं डिडक्शन। सही रहेगा ना सर, दोनों अलग अलग। जी डिडक्शन, ठीक है। अब यहां पे हम करते हैं कि अर्निंग में हमारा बेसिक बेसिक क्या होना चाहिए, एच आर ए क्या होना चाहिए, अदर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। दो चीजें, तीन ही चीजें है ना सर। अतिरिक्त अब यहां पे हम लगा देते हैं वीलू। वीलू का हमने इसको सिलेक्ट किया, तो टोटल इसमें चलेगा, इसमें एएमपी में, और हमने बेसिक। अच्छा, इसमें दो चीजें, ये एक चीज छूट गया सर, एक चीज स्टार्टिंग से इसलिए मैं कर रहा था। यहां पे अर्निंग में तीन चीजें होगा, तीन चीज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पे एक बेसिक जो पहले से डिजाइन की गई, यहां एक बेसिक जो उसने उसको मिल रहा है, दोनों अलग अलग होगा ना सर। क्योंकि तो यहां पे ये हो गया आपका एमपी पूजा, और यहां हम एक थोड़ा सा और लाइन ऐड करेंगे जिसमें हमारे यहां पे होगा अटेंडेंस डिटेल कि टोटल यहां पे कि टोटल पी कितना हुआ, लीव्स कितना है, वीक ऑफ कितना है, और पे डेज कितना है। समझ गया सर, ओके समझ गया। ये चीजें हमें देगा हमारा वी लुकअप। क्या देगा? वी लुकअप। बिल्कुल वी लुकअप में गए हमने, यहां से इसको पूरा सिलेक्ट किया, कॉमा, फिर मैच लगाया। मैच के अंदर हम इन्वर्टर कॉमा पी लिख देते हैं, लेकिन मैं इसको चेंज कर दूंगा। और हमने इस बारे कॉलम को लिया कॉमा 0 और एंटर प्रेस किया। एक मिनट, टोटल को सिलेक्ट कर दिया, हमें इम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करना था ना, हमें 13 आ गया टोटल। अब इसको कॉपी किया, इस पे पेस्ट किया, और यहां पे पी की जगह क्या सर्च करेंगे, एल, एल और यहां पे सर्च करेंगे डब्ल्यू स्लैश ओ, डब्ल्यू स्लैश ही हो ना, देख लीजिए। हाँ, डब्ल्यू स्लैश ओ, यहां पे सर्च करेंगे डब्ल्यू स्लैश ओ, और यहां हमारा हो जाएगा पीडी। क्या हो जाएगा? पीडी, पेपर पीडी डीज। और इसमें हम एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ ऐड करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से बॉर्डर लगाते हैं और इसको मिडल कर देते हैं। ठीक है, हेडिंग को कर देते हैं हम बोल्ड और इसको भी कर देते हैं बोल्ड। ये हमारा अर्निंग ए भी बोल्ड हो गया और ये डिडक्शन ये भी बोल्ड हो गया हमारा।
रिएक्शन को कलर रेड कर दे तो बेटर रहेगा। ठीक अब यहां पे बारी आती है कि हमारा बेसिक पे क्या है, तो इसके लिए हम वी लुकअप लगाते हैं। ठीक है, वी लुकअप में हम आईडी को सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं वहां, यहाँ पे दे देते हैं बेसिक इसका बोलते हैं सर, ज्वाइनिंग से मैं डिसाइड होगा उसको क्या बोलेंगे, मैं बोल नहीं पा, समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे ज्वाइनिंग एज पर ज्वाइनिंग, ठीक है ना, और एज ओके पर एटीटी कर देते हैं, आप कुछ और कर दीजिए। ओके तो वी लुकअप लगाया हमने, इसको इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉई के अंदर गए और यहां से हमने बेसिक कौन सा नंबर का, 7 नंबर का, कॉमा 7.0 कर दिया। एक मिनट, इसमें क्यों नहीं, ओह सॉरी, बेसिक क्यों सिलेक्ट किया, यहाँ आईडी सिलेक्ट करना। अब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसका डिफाइन नेम कर देंगे आईडी, समझ गए। अब यहाँ पे इक्वल हम वी लुकअप, यहाँ पे हम आईडी लिख देते हैं और दिक्कत नहीं, सिलेक्ट करने का झंझट नहीं है। और इसके बाद हम जाते हैं ईएमपी में और यहाँ सिलेक्ट करते हैं बेसिक, ए वाला बेसिक कौन सा है, 12 आ गया। फिर वी लुकअप, ये पेबल डेज 30 कैसे आ गया, गलत है ना, 13 लीव 0 है ना, लीव 0 है ना, यहाँ पे अच्छा हॉलीडे, ये हॉलीडे आ गया ना, 12 हॉलीडे है, क्या सच में 12 हॉलीडे है, हाँ यहाँ 12 हॉलीडे लग रहा है, हॉलीडे जन्म अति हो गया है, दब गया है ना। सही है, अटेंडेंस ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप मुझे सैलरी स्लिप पे एक और चीज लेना होगा, पेबल डेज को यहाँ मूव करना होगा और यहाँ पे क्या करना है, एच, तभी देखिए वो ठीक होगा ना सर। यहाँ पे कर देंगे पीडी का जगह पे एच और इसको सिलेक्ट करके हमें बॉर्डर लगा, तो यहाँ पे वी लुकअप इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप पे हमने सिलेक्ट कर लिया आईडी कॉमा, हम चले गए ईएमपी में, इसको सिलेक्ट किए, अब आता है बारी एचआरए का, तो एचआरए 8वें नंबर पे कॉमा 8.0 और फिर यहाँ पे अगेन वी लुकअप लगाया, कॉमा करते हैं और यहाँ जाते हैं और इसमें सॉरी यहाँ पे आईडी कॉमा, हम ईएमपी के अंदर आया और हमने दूसरा एचआरए जो कि 13 नंबर पे है 13.0, फिर अदर हमने वी लुकअप लिया आईडी और हमने ईएमपी हमारा अदर हो गया 9वें नंबर 9.0, फिर वापस वी लुकअप, यहाँ पे आईडी कॉमा, हम चले गए ईएमपी पे, ये हमारा आईडी 13 नंबर। ठीक है, क्यों गया सर जी, ये गलत है, एक आगे था आपका, क्या एक आगे 13 में 14 नंबर का होगा, 14 होगा तो ए यहाँ पे एम से एम, ठीक है, तो इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ पे देते हैं, अर्निंग को हम करते हैं, इसको यहाँ से अनमर्ज करते हैं, ये सही रहेगा, अर्निंग सही है हमारा, हाँ ये हो गया। अब डिडक्शन में आएगा, अब डिडक्शन में दो पार्ट हो गया, एक हो जाता है हमारा एम्प्लॉय, क्या होता है एम्प्लॉय, और इसमें ई एस आई और पी एफ होगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा, और यहाँ पे दूसरा इसको डिडक्शन हम करते हैं, वो करते हैं एम्प्लॉयर, तो होगा हमारा एम
फ्लोर ए। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, भावनाओं को समझिएगा ठीक है। अब यहाँ पे हम वीलुकअप लगाते हैं आईडी और कॉमा, हम चले जाते हैं ईएमपी के अंदर, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये हमारा आ जाता है एम्प्लॉय ईएस ईएसआई जो कि 16-17 है, 16, 16 कॉमा 0 ठीक है। इसी को कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और 16 की जगह पे हम कर देते हैं 17। अब एम्प्लॉयर का भी सेम करते हैं, वीलुकअप आईडी कॉमा, और हम एम्प्लॉय में जाते हैं और हम ए से शुरू करते हैं, ये आ गया 19 और 20, कॉमा 19, 19 आ गया, और इसी फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं एंड पेस्ट, जो कि 20 कर दे ठीक है सर। और इसको भी हम यहाँ से बॉर्डर और इसको भी अपना बॉर्डर दे देते हैं ओके। अब यहाँ पे करते हैं ग्रॉस पे, ग्रॉस पे में हम इसको नहीं जोड़ेंगे ठीक है, क्योंकि ये पेमेंट तो करना नहीं, पेमेंट तो इसको करना है ना। जी। तो हम यहाँ पे सम करते हैं, सम क्या का बोर्ड ठीक है ना, और यहाँ पे फिर करेंगे नेट पे, नेट पे में इसमें से माइनस सम ये दोनों हो जाए ठीक है, और ये हमारा नेट पे। और फिर यहाँ पे सी टी सी, सी टी सी, सी टी सी में क्या करेंगे, नेट पे नहीं ग्रॉस पे ठीक है ना, ग्रॉस पे प्लस ई एस आई और पी एफ ठीक है, ये होगी कंपनी सी टी सी ओके। तो इसको भी हम कर देते हैं बोल्ड, इसको भी कर देते हैं बोल्ड। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट इन थाउजेंड और आखिर बहुत सारे लोग स्टेटमेंट भी डालते हैं कि पूरे साल का कितना पेमेंट लिया है नहीं लिया है, वो स्टेटमेंट भी इसके अंदर डालते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट तो स्टेटमेंट डालिए, रिक्वायरमेंट नहीं है तो स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए ठीक है ओके ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा सैलरी, यहाँ पे जो यहाँ पे पेज लेआउट में जाके मैं इसकी गाइडलाइन हटा देता हूँ, हम यहाँ पे अपना एम्प्लॉई कोड एंट्री कीजिए और बाकी पूरी सैलरी यहाँ पे बन के तैयार तैयार हो गई ओके ठीक है, क्लियर है जी जी। और दही बात फॉर्मेटिंग की, तो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग और करना चाहिए हाँ, वो तो हाँ कर सकते जी जी, समझ गया जी जी, कोई दिक्कत जी बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं इसकी प्रिंट आउट पे भी देख सकते हैं ये प्रिंट आउट क्या निकल रहा है, पीडीएफ वगैरह में भी इसको बनाया जा सकता है आसानी से। अब बात करते हैं एमआईएस की ठीक है। तो एमआईएस में तो मैंने पहले बताया था कि पहले हम एक छोड़ेंगे जगह ऊपर नीचे दोनों को, और हेडिंग चाहिए होगा सबसे पहले ठीक है ना, एक पूरा विंडो लेते हैं हम जहाँ पे हम मर्ज करते हैं ठीक है, मर्ज दो बार में अलग अलग करना है, एक यहाँ इसको मर्ज करते हैं जो हमारा हेडिंग होगा ठीक है ना okay. यहाँ पे हम बात करेंगे सैलरी मैनेजमेंट या कुछ और भी कर सकते हैं ठीक है, नाम अपने हिसाब से और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ब्लू और इसको कर देते हैं व्हाइट, इसको बड़ा करते हैं अंडरलाइन करते हैं ठीक है, और इसी को यहीं पे आगे भी हम फॉरवर्ड करेंगे
और इसको हम यहाँ पे कर देंगे। और करने के बाद हम यहाँ पे मर्ज करेंगे और लिखेंगे, नहीं मर्ज यहाँ नहीं करेंगे, मर्ज यहाँ इसको करेंगे मर्ज, और यहाँ पे कंपनी का नाम IPT एक्सल इसको, और हम स्कूल के स्पेलिंग रह गया। ओके और यहाँ पे लोगों को देना है तो लोगों को आप दे सकते हैं। ओके ठीक है, अब आइकन वगैरह लगाना चाहे तो आइकन वगैरह भी लगा सकते हैं। अब यहां सबसे पहले हम देंगे मंथ, ठीक है ना, यहाँ पे अच्छा यहीं पे मंथ दीजिए सही रहेगा। मंथ में हम सिंपल सा सैलरी स्लिप से लिंक करके, कुछ सब तो कनेक्टेड है ना सर, कि सारा अटेंडेंस है, अटेंडेंस चेंज होगा बाकी सारा चेंज हो जाएगा सर। ओके तो यहाँ पे Jan 22, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हम देते हैं सैलरी, यहाँ पे ओवरव्यू सैलरी क्या करते हैं ओवरव्यू, ठीक है बोल्ड, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओवरव्यू के अंदर में हम यहाँ पे देंगे थोड़ा सा मर्ज करते हैं, टोटल पे, टोटल पेमेंट कितना हुआ, सैलरी की टोटल पेमेंट कितनी हुई, ठीक है ना, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, EMP कितने दिन है, टोटल डेज कितना पे हुआ, पर डेज समझ गए सर। तो टोटल पे के लिए हम यहां पे करेंगे सम, सम में जाते हैं EMP और टोटल पे, तो टोटल पे में CTC होगा याद रखिएगा, CTC राइट। ओके टोटल एम्प्लॉय कितना, कितना टोटल एम्प्लॉय कितना है, तो हम इसके लिए लगाएंगे काउंट COM टू काउंट ए, काउंट ए, और काउंट ए में हम चले जाएंगे अटेंडेंस में, ठीक है, अटेंडेंस में हम इससे इसको पूरा काउंट कर लेंगे, लेकिन इसमें माइनस वन कर देंगे क्योंकि हेडिंग भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसे माइनस वन कर दिया। टोटल डेज कितना है, तो इसको भी हम अटेंडेंस से सम करते हैं, लेकिन नहीं अटेंडेंस से नहीं करते हैं सम, इसको करते हैं एम्प्लॉई से, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमने एम्प्लॉय का डेटा पूरा नहीं डाला, तो एक बार इस पूरे डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और एम्प्लॉई के अंदर में डाल दें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को उठा के यहाँ डाल देता हूँ, बाकी तो चीजें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिनल डेटा होगा उस पर डालना पड़ेगा ना सर। जी 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 और ठीक है, इसको यहां से हम बॉर्डर लगा देते हैं, और एक में बॉर्डर हुआ, और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है इसलिए नहीं हुआ है। ओके ठीक है, अब ये जो पेमेंट, ये सैलरी है ना, ये दिख रहा है आपको सैलरी, यहाँ मैं रैंक रैंकिंग लगा देता हूँ जिसमें हम 5,000 से लेके 15,000 तक की कर देते हैं रैंक रैंकिंग के लिए, और कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और बाकी चीज तो कैलकुलेटेड है क्या,
तो हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर दे, ड्रैग भी कर दे, पर इनने क्या लगाया यहाँ, हमने इसमें फ्रीज नहीं किया, ये तो सही है, ए पी डी इसको फ्रीज करना चाहिए था। ठीक है, और जी टू या ए सिक्स जो है इसको करना चाहिए था हमें। ठीक है, यहाँ भी जी सिक्स इसको फिल्टर ए कर दीजिए नीचे तक ड्रैग, और इसको भी हम जी सिक्स जहां जहां जी सिक्स है उसको सब कर देते हैं, बाकी सारा डेटा अपने आप आ गया। अब एम आई एस पे आते हैं, तो ये हमारा टोटल पे आ गया, हमारा फर्म का टोटल एम्प्लॉय आ गया, टोटल एम्प्लॉय एम्प्लॉय टोटल डेज, तो डेज के अंदर भी हम सम करते हैं और सम में जाते हैं ईएमपी में, और जो पे डेज है ना इसको क्लिक करके एंटर मार देते हैं, 371 दिन हुआ। अब यहाँ पे पर डेज कितना पेमेंट हम कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर दीजिए और आ जाएगा पर डेज 586 रुपए की पेमेंट ओवरऑल जा रही। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से थोड़ा सा कर दिया, और ये इस तरह से डेसिमल है, इसका डेसिमल यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, और इसके ऊपर अब इसको कलर वगैरह करना है तो कलर वगैरह कर दीजिए आप। ठीक है, ओवरव्यू को भी कलर करना है, नहीं ओवरव्यू करने दीजिए कलर, चाहे करना है तो कर दीजिए, लेकिन इसमें कर दीजिए यहाँ गैप, और इसको कर दीजिए नो फिल, नो फिल इसको कर दीजिए यहाँ से छोटा, ऊपर वाले को भी छोटा कर दीजिए। ठीक है, ये ओवरव्यू आ गया किसके ऊपर, सैलरी के ऊपर। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो हमें किसी तक लेना है, ओवरव्यू सैलरी। अब यहाँ हम इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट करते हैं ताकि ये इस पे भर जाए, और हम इसको छोटा करेंगे। ठीक है सर, और सेम चीज यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ओवरव्यू सैलरी के जगह पे अटेंडेंस। ठीक है, अब अटेंडेंस में हम यहाँ पे करेंगे टोटल एम्प्लॉय। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे टोटल प्रेजेंट, टोटल लीव, टोटल लीव, टोटल हॉलीडे, टोटल हॉलीडे हो गया सर, और यहाँ पे टोटल वीक ऑफ, टोटल पे डेज तो यहाँ है ही, बाकी और ऑप्शन ऑप्शन भी डालना है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे कुछ नहीं डालूंगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय तो हमारा 12 ही है तो पता ही है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोटल प्रेजेंट तो यहाँ पे हम करेंगे सम। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि अटेंडेंस से मुझे टोटल पी उठाना है, क्या उठाना है, प्रेजेंट, क्योंकि ईएमपी डेटा में सिर्फ प्रेजेंट है हमारा, बाकी चीजें नहीं, पीडीएफ पेबल डेज है और बाकी कैलकुलेशन नहीं आया, और ये घटता बढ़ता रहा है, क्या कर रहा है, घटता बढ़ता रहा। तो मुझे एग्जैक्टली पी वाले का ही टोटल निकालना, अब यहाँ पे एक चैलेंज है, डब्ल्यू वाले का टोटल लगाना, एच वाले का टोटल निकालना, और ये घटता बढ़ता रहता है, समझ रहे, क्या करेंगे इसके लिए, तो इसी को सेलेक्ट करेंगे ना, पी को,
नहीं पी, लेकिन पी तो घटता बढ़ता रहता है ना, पी अभी यहाँ है ए एज पे है, 28 दिनों का तो यहाँ चला आएगा, 29 दिनों का यहाँ चला, और मैच वीलुकअप और मैच लगाएंगे, वीलुकअप मैच नहीं, वील मुझे एक डेटा थोड़ी उठाना है यहाँ पे, वो मुझे इसका टोटल उठाना है, और देख सम एंड मैच लगाएंगे ना, सम में मैच कैसे लगाएंगे, सम में मैच नहीं लगाएंगे, पहले लगाएंगे ओके इसको थोड़ा तिगम करना पड़ेगा, पहले लगाएंगे मैच का फॉर्मूला, मैच के फॉर्मूले से ओके पता तो करें कि पी जो है वो है किस कॉलन में, है किसका सीधा। हाँ है किस कॉलम में, तो हमने यहाँ पे कॉमा और जीरो लगाया, तो आ गया 36वें नंबर कॉलम, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ऑफसेट, ऑफसेट के अंदर हमने बोला, हमने सिलेक्ट किया अपना अटेंडेंस का डेटा, ये रहा हमारा अटेंडेंस का डेटा स्टार्टिंग में, और यहां से हमने बोला एक रो और 36 नंबर कॉल, अब एंटर मारेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये 5 किस क्या आया, तो 5 आ गया आपका यहाँ का, ये पहला जो होगा पी वो आ जाएगा, ये आ गया, और ये आ गया 36, एक -1 करना पड़ेगा क्योंकि ऑफसेट हमेशा 0 से काउंट करता है, तो ऑफसेट ओके को ये मैच जो मैच का रिजल्ट है उसमें 1 कर देते हैं, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हाइट एंड रो, तो मैंने देखा कि मेरे पास 12 एम्प्लॉई है ना सर, जितना एम्प्लॉय उतना हमने हाइट दे दिया और ब्रिथ तो हमारा 1 है ही, और अगर एंटर मार देंगे तो देखिएगा पूरा रिजल्ट पूरा अटेंडेंस यहीं पे आ जाएगा, आ गया, उसको कर लेंगे सम, क्या कर लेंगे सम। अब आगे 166 पी टोटल, 12 लोगों में 166 पोजीशन, ठीक है। ओके अब इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं और यहां पे टोटल एल देते हैं यहां पे, तो पी के जगह पे क्या करेंगे एल, क्या करेंगे एल, और टोटल एच तो इसके जगह पे भी हम एच करेंगे, क्या करेंगे एच, और यहां पे टोटल डब्लू वीक ऑफ वीक टोटल वीक, तो यहां भी हम कर देंगे W/O, ठीक है। ये आ गई कंट्रीब्यूशन अटेंडेंस की, 12 एम्प्लॉई में 1 ने छुट्टी किया है और ये हुआ है, ठीक है। ये तो हॉलीडे ये गलत नहीं है क्या, कि आप ये सोचिए महीने में तो सिर्फ 30 दिन होते हैं ना, तो 144 आ रहा है सर, सबका मिला के 12 एम्प्लॉई का हमने 144 दिन हॉलीडे दिया है, मतलब 144 मल्टीप्लाई बाई 587 ओके या पर एम्प्लॉय की बात थोड़े हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी में अगर एक एम्प्लॉय तो 30 दिन, अगर दो एम्प्लॉय तो 60 दिन, ओके तो सबके मिला के, और मैंने इस बार हॉलीडे कुछ ज्यादा ही डाला हुआ है, इंटरनेट से कॉपी करके पेस्ट मार दिया ना सर, महीने महीने 15-15 दिन की हॉलीडे आ गई है, ठीक है। तो कुछ हॉलीडे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मिशन डे हटा देता हूँ, सब 14 जनवरी छोड़ देता हूँ, 14 जनवरी पोंगल, 15 छोड़ देता हूँ, 16, 19, 26 जनवरी, ठीक है, 3 छुट्टियां है ना, ठीक है। अब ये माइनस में आप देखेंगे क्या आ गया, 48 छुट्टी हॉलीडे आ गया, ठीक है सर जी जी अब जी यहाँ पे एनालिसिस आता है टोटल पे, तो यहाँ पे पे पर ईएमपी पर एम्प्लॉय कितना बन रहा है, तो दैट इज डिवाइड बाय 12, ठीक है ना, क्लियर है जी 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 पे डेज पर एम्प्लॉय, ये सबको हम ये कर देंगे और ये रैप कर देते हैं, रैप करने से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 371 डिवाइड बाई 12,
तो 30 पॉइंट, समझ गए? मतलब जी एक एम्प्लॉय 30 दिन काम किया, एवरेज 33.9 दिन का काम, ठीक है सर? तो इसको भी मैं यहां से कलर कर देता हूं, और यहां से हाईलाइट कर, इसको सिलेक्ट करके ले लीजिए यहां पे, और सेम यहां हमारा हो जाता है टोटल एम्प्लॉय, ये आ गया टोटल पी आ गया, तो पर डे एम्प्लॉय यहाँ पे हमने कर लिया ये आपका 244 डिवाइड बाई 12, 17 दिन प्रेजेंट है एक एम्प्लॉय, ठीक है? ये इसको नीचे रखिए, फिर आता है लीव पर ईएमपी, तो सेम 1 डिवाइड बाई 12, तो बहुत ही पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है सर? उसके बाद आता है अनपेड अनवर्क फॉर एम्प्लॉय, माने कि अनवर्क पे हम किया कितना किए हैं पर एम्प्लॉय के हिसाब से, कि उसने काम तो नहीं किया है बट हमने उसको पेमेंट किए हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हमने 12 एम्प्लॉय है ना, तो टोटल यहाँ पे हम हॉलीडे करेंगे यहाँ पे लीव प्लस हॉलीडे प्लस हॉलीडे वीक ऑफ डिवाइड बाय 12, तो 13 छुट्टी अनपेड लीव हम दिए इस महीने में एक एम्प्लॉय को, ओके ठीक है? ये हो गया हमारा, तो ये तो ओवरऑल हो गया, ये ओवरऑल समरी हो गई। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहां तक सेलेक्ट करके राउंड बॉर्डर दे देता हूँ, क्या देता हूँ? राउंड बॉर्डर, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज मैन पावर, ठीक है ना, कि कंट्रीब्यूशन कि कौन डिपार्टमेंट कितना मैन पावर होल्ड किए हुए, पर प्रॉब्लम यही है कि ईएमपी के अंदर मेरे पास डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो एक काम करता हूँ इसको डिपार्टमेंट बना देता हूँ, डिपार्टमेंट, ओके? तो ये चीजें निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं बाबू? हाँ, ये निकाल लूंगा, मगर उस वाले में पहले क्या होगा, देखो डिपार्टमेंट वाइज में मैं मुझे क्या एडमिन करना और होगा? सेल्स तीन है मेरे पास, एडम डिपार्टमेंट एडमिन और सेल्स, चलो। ठीक है ना? भाई मीटिंग रीस्टार्ट होगा, दोबारा से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके तो यहाँ पे एडमिन सॉरी एच Recording in Recording in progress. progress. तो यहां हो जाएगा हमारा सेल्स एडमिन और एचआर, तो यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंटिंग, इसका काउंटिंग, काउंटिंग फॉर्मूला में हम करेंगे काउंट कि हमारे इसके अंदर ये एम्प्ली के अंदर ये हमारा और एमआईएस का सेल्स कितना बार, ठीक है? चार चार बार, तो एक काम करता हूं हम सेल्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक दो सेल्स बढ़ा देते हैं, एचआर कम कर देते हैं, एडमिन कम कर मुझे देते हैं, रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए सर। जी जरूर। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये आ गया सेल्स में 7 एडमिन है, तब इसको सेलेक्ट करता हूं
सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करता हूं चार्ट, क्योंकि इसमें चार्ट वगैरह लगाया नहीं, तो थोड़ा चार्ट्स भी लगा देते हैं। ठीक है, चार्ट्स लगाने के बाद मैं इसको यहां पे आता हूं कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट करने। तो हम ये सही है कंट्रीब्यूशन, ये सही है यहां पे डिपार्टमेंट मेंट शेयर। इस पे राइट क्लिक किया और हम चले गए फॉर्मेट डेटा टेबल, और इसमें हमने वैल्यू नहीं डाला, यहाँ पे हम कैटेगरी कर देते हैं ताकि आज इसको डिलीट कर दीजिए, इसको रखने की जरूरत नहीं है। और फिर जो जहां पे मेरा डेटा था ना सर, उसी के ऊपर इसको होल्ड करवा दे। ठीक है, अब मुझे इस पे ए हो गया, ए होगी डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय के हिसाब से हो गया, राइट। और मुझे सेम यहां पे चाहिए सेल्स, एचआर और एडमिन, तो ये कितना सैलरी वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हम सम इफ का यूज करेंगे। किसका? सम इफ का। सम इफ हम चले जाएंगे अपना ईएमपी के अंदर और हम यहां लिखेंगे कि क्राइटेरिया ए रहा, क्राइटेरिया में हम एमआईएस में आके सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्स को, और वापस हम चले जाते हैं ईएमपी में, जो कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेबल सीटीसी। ठीक है ना, सीटीसी ये आ गया। ठीक है, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दे। अब इसको सेलेक्ट करके अगेन हम चार्ट बनाते हैं, इस बार जो है डोनट चार्ट बनाते हैं वाला। Okay. और इसके अंदर भी जाते हैं और हम अपना ए वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं, चार्ट टाइटल यहाँ पे डिपार्टमेंट शेयर पे आउट, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में कितना पे उसने किया है। थोड़ा सा नीचे करता हूँ, गैप रहा। उसके बाद ऑटो अटेंडेंस में हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम टोटल करते हैं। क्या करते हैं? टोटल कि टोटल यहाँ पे हम करते हैं इक्वल काउंट इफ, काउंट इफ हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया और रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं कि भाई पी को काउंट करना है। किसको काउंट करना है? पी को। और हमने यहाँ पे कंट्रोल आर कर दिया। ठीक है, और हम एम आई एस में जाते हैं और एक इंसर्ट करते हैं अपना फ्लो चार्ट, क्योंकि हमें फ्लो देखना है कि हमारे एम्प्लॉय का क्या फ्लो है, अटेंडेंस फ्लो क्या है। ठीक है, okay. उसके बाद अब कहें दो अलग अलग है, सिलेक्ट डेटा में जाते हैं, ऐड करते हैं और ऐड में हम यहां पे करते हैं पी प्रेजेंट, और यहां हम ऑटो अटेंडेंस शीट पे आते हैं और अपना जो डेटा है ना वो डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं 31 तक। ठीक है ना, उसके बाद वापस एडिट में आते हैं और जो डेट है ऊपर डेट दिख रहा होगा, इस डेट को एंड ओके। अब इसको नीचे तक इस तरह से करते हैं ड्रैग और इसमें ए वाला चार्ट हम ले लेते हैं। अब इसको यहां नीचे देखो कर देते हैं। तो इस रिपोर्ट से क्या क्या पता चल रहा है? एक तो हमने टोटल ओवरऑल कितना पेमेंट किया, टोटल पेमेंट कितना किया, टोटल एम्प्लॉय कितने, टोटल डेज कितने दिन वर्क किए, पर डे का कितना हमने खर्चा दिया, जिसमें टोटल एम्प्लॉय इतना था, टोटल 214 जो काम मेन हुआ 214 दिन हुआ, लीव एक था और होलीडे 48 दिए, वीक ऑफ जो है 108 दिए हैं,
यहाँ पे पर एम्प्लॉय एवरेज खर्चा हमारा हो रहा है ₹1,81,138 और पर यहाँ पे पर डे ईएमपी एक हर एम्प्लॉय 31 दिन का ले रहा है, 30 डेज आ रहा है, इसमें से प्रेजेंट जो है 18 दिन हो रहा है, लीव 0.8 है, एक से कम है, अच्छा बात है, और टोटल अनवर्क पे 13 डेज जो हम ज्यादा है हम पे कर रहे हैं बिना काम किए हुए, ठीक है सर जी। उसके बाद इम्प्लॉई शेयर जो है 58% इम्प्लॉई सेल्स में, 25% इम्प्लॉई हमारा एडमिन में है, 17% एचआर में, तो आप देख सकते हैं 63% जो है रेवेन्यू जो है पे आउट जो है क्या ले रहा, कौन ले रहा है, सेल्स टीम ले रही है, एडमिन टीम सी भी, क्योंकि 25% का मार्केट शेयर है, टोटल शेयर है, लेकिन 11% तो रेवेन्यू खर्च कर रही है, लेकिन एचआर 17% का इसका शेयर है, लेकिन 26% रेवेन्यू पे आउट कर रही है, रेवेन्यू नहीं मतलब पैसा खर्च कर रही है एम्प्लॉई के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉई आपको पर डे के हिसाब से हमारा चल रहा है सही, यहाँ पे 12 एम्प्लॉई है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि मुझे अपना ट्रेन लाइन भी देना है, मतलब कि ट्रेन लाइन समझ रहे हैं ना, कि टोटल एम्प्लॉई कितने हैं 12 है, तो हम ऑटो अटेंडेंस में आते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 12, ठीक है ना, तो 12 मतलब हमने यहाँ पे कर दिया इसको सेलेक्ट जो मेन सीरियल नंबर है, और इसको कर देता हूं यहां से, इससे क्या पता चलेगा कि कितना छुट्टी पे था, मतलब कि टोटल एम्प्लॉय किस दिन आए हैं किस दिन नहीं आए, ठीक है, तो इसके लिए फिर हम एमआईएस में कैसे ऐड करें, तो इसी पे राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा और यहां एक और ऐड करेंगे टोटल ईएमपी, ठीक है ना, और यहाँ पे हम जाएंगे डेटा में और अपना चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो चार्ट हमारा ये जो डेटा है, ठीक है ना, एंड ओके, लेकिन ये कहाँ गया टाइट, एक मिनट, राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा, इसको एडिट, टोटल ईएमपी कहाँ है, एक मिनट, चार्ट का टाइप चेंज करते हैं, किलेंडी चेंज चार्ट टाइप, दूसरा कहाँ गया, यहाँ पे दूसरा तो दे रखे हैं एमबी, दो एक्सेस देंगे ना कि एक ही एक्सेस पे रखेंगे, एक मिनट इसको एडिट कर, ओ हाँ हाँ मेरी गलती, हमने सही से सेलेक्ट नहीं किया, अब आया सर ऊपर लाइन दिख गया ना सर, और इस लाइन को मैं या कोई और लाइन भी कर सकते हैं, कोई और चीजें भी आपके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ओके, एमआईएस कंप्लीट हो गया, एक हमने ऑटोमेशन कर लिया, मतलब यहाँ हम हमें अभी इसको ऑपरेट कैसे करना है समझ जाइए, हम अपने हॉलीडे इसमें डालेंगे पूरे साल का, और जिस दिन जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन को मैं यहाँ डालूंगा, ये भी पूरे साल का डालना है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉय की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए, अब क्या होगा कि आपको जस्ट अपनी लीव यहाँ पे डालिएगा, जो सा मंथ आप सिलेक्ट करेंगे उस मंथ का अटेंडेंस आपको बन के तैयार होगा, 2 महीने का अटेंडेंस, ठीक है, दो चीजें यहाँ दिख रहा है, तो अब इसको हाइड नहीं कर सकते क्योंकि चार्ट का पार्ट है, हाइड करेंगे दिक्कत हो जाएगी, इसकी कलर को कर दीजिए व्हाइट ताकि दिखे ना, ओके ठीक है,
ये हमारा ऑटोमेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है अच्छा, अब दूसरा जो है वो हम कल करेंगे आपके साथ। ठीक है चलो, ओके बाय। ओके थैंक यू, बाय।